सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल, और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 10 में, जिसमें हम तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे। तो चलिए चलते हैं फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में जाने के बाद हमने इसमें मूविंग टूल, रेक्टेंगल टूल, लासो टूल, मैजिक टूल, ये जो अदर टूल्स है उनके बारे में हमने सीख लिया, क्रॉप टूल के बारे में सीख लिया, और इस टूल जो आईड्रॉप टूल के बारे में मैंने कल बताया था अच्छे से। आज जो हम टूल सीखेंगे इस ब्रश टूल के बारे में, मतलब स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल और हेलिंग ब्रश टूल और पेच टूल और रेड आई टूल, इनके बारे में सीखेंगे, जिनका यूज बहुत ही ज्यादा होता है एल्बम में या फिर फोटो पर बहुत सारे इफेक्ट डालने में बहुत ही ज्यादा। और आज का टूल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, पहला जो यूज है वो मैं बताने वाला हूँ स्पॉट हेलिंग, इसका स्पॉट हेलिंग टूल का। स्पॉट हेलिंग टूल का एक्चुअली यूज कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लेयर्स में बनाए, यहाँ पर आप लेयर्स का यूज जरूर करें वरना आपका बैकग्राउंड की जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। तो आप पहले मैं बता दूं कि स्पॉट हेलिंग टूल का यूज कहाँ होता है। स्पॉट हेलिंग टूल्स का यूज अक्सर होता है चेहरे पर पिंपल, कोई दाग हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पर कटा फटा हो, उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। मान लीजिए इस टूल का यूज लेकर मैं इस पिंपल को बिल्कुल ही साफ कर दूंगा, बिल्कुल ही साफ, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये पिंपल था। इस तरह से इसका यूज लिया जाता है। देखो सिंपली मैं बता देता हूँ किस तरह। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस पर जो आप क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करके उसको ले जाइए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ तक आप ले लीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आप देखेंगे कि आपके सामने जो दाग है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ, ये देखिए सिंपली बस इस पर क्लिक करना है इस तरह से। इस ब्रश की जो साइज आप छोटी बड़ी कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन बटन पर क्लिक करके, यानी राइट बटन पर क्लिक करके कंट्रोल माइनस कर दीजिए। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड, इसको पिंपल्स वगैरह को रिमूव करने बहुत ज्यादा इसका यूज लिया जाता है। जब से टूल आया है बहुत ही लाजवाब होता चला गया है, बहुत इनके यूज बहुत ही जगह होते हैं। जब एडवांस लेवल में हम बात करेंगे तो इन टूल्स के बारीके से और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से काम होते हैं इनके। दूसरा आता है हेलिंग ब्रश टूल। इसका एक्चुअली क्या काम क्या होता है, ये कहीं से एक कलर को, स्क्रीन के कलर को कॉपी करता है, वहां से कॉपी करके दूसरी जगह जहां पर पिंपल, उस पर सेम कलर पेस्ट कर देता है, जिससे पता नहीं चलता कि पिंपल गायब हो जाता है। मतलब मान लें मैं यहां से कोई कलर पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहां से जैसे कलर कॉपी हो गया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया, तो जैसे जैसे आप घुमाओगे उतना एरिया यहां से कवर होता हुआ चले जाएगा। मतलब ये मान लीजिए यहां से मैंने इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पर जो है एरिया जितना यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा, और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितने एरिया में घुमाएंगे उतना एरिया यहाँ का जो एरिया है वो यहाँ पेस्ट करता जाएगा। देखिए समझ लेते हैं इसको। सिंपली आपको इसको यूज करने के लिए एल्ट की का प्रेस करना है। एल्ट की का प्रेस करते इस तरह से इसका चिन्ह आ जाएगा, और एल्ट की को प्रेस करते हुए आपको इसे छोड़ देना है। ये यहाँ से कॉपी कर चुका है, और सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस तरह से। देखिए आप इस प्लस के पॉइंट को देखिए, ये उतना एरिया यहाँ पर कॉपी कर देगा जितना जितनी तरफ से हम घुमाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस की तरफ, देखिए जैसे जैसे मैं इस होठों की तरफ लाता था, चौड़ाई में बदलाता था, तो ये होठों को भी वहां पर पेस्ट कर रहा है। ये देखिए कर रहा है ना। तो इसका यूज एक्चुअली होता क्या है, ये मान लीजिए शिवजी वगैरह की जब हम तस्वीरें बना देते त्रिनेत्र दर्शाते हैं, तो उनका त्रिनेत्र इसी प्रकार होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से अच्छा लगता है वो, तो उसके लिए इसका यूज होता है। तीन नेत्र, डबल होठ वगैरह, डबल कान वगैरह इसका यूज लिया जाता है, ट्रिपल होठ वगैरह इस तरह से इनका यूज लिया जाता है। तीन नेत्र बिल्कुल एग्जेक्ट हमारे जो सिर है उसके अंदर से जाता हुआ जो आईज है वो दिखाई देगी बहुत ही अच्छी तरह से, उसके लिए लिया जाता है। शिव जी की पिक्चर्स बनाने के लिए इसका यूज लिया जाता है, या फिर डबल नाक, डबल कान, डबल उंगली इनके लिए इसका यूज लिया जाता है। सिंपली इसको पिंपल उठाने के लिए यूज बताता हूँ। सिंपली हमने यहाँ से अभी कॉपी कर लिया था, और अब यहाँ पर आपको क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर देना है। ये देखिए पिंपल हट चुका है, एक बार थोड़ा सा और कर दिए, ये देखिए यानी यहाँ वाला कलर यहाँ पर पेस्ट हो गया, आपको पता नहीं चला। और यहाँ पर भी मैं ठीक उसी तरह से कर देता हूँ, सॉरी सॉरी इसका फोटो पर आ गया थोड़ा, तो कंट्रोल एल्ट जेड कर देता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप देखिए, आप जब जूम करके भी देखेंगे, कंट्रोल प्लस से जूम कर लीजिए और देखिए, जूम करके भी देखेंगे तो पता नहीं चलेगा इस पर दाग या पिंपल्स थे। एक और इमेज ले लेते हैं पिंपल्स की, ये देखिए ये पिंपल्स की इमेज है। सिंपली मैं अभी इसी टूल से आपको बताता हूँ। सिंपली आप एल प्रेस करके यहाँ से कलर ले लीजिए, कलर ले लिया, और अब यहाँ पर सिंपली आपको ड्रैग करके इस तरह से कर देना है। तो
आप देखेंगे थोड़ा होटो पर आ रहा है, 1 मिनट कंट्रोल एल्ट जेड कर देता हूँ मैं, और यहाँ से एल्ट दबाते हुए इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ इसके आसपास का एरिया लेता कि उससे मैचिंग हो जाए। ये देखिए बिल्कुल ही गायब हो चुका है, और जैसे इस ये दोबारा पिंपल जो है मैं उस पहले वाले टूल से बताते हैं स्पॉट हेलिंग टूल से, इससे और ही जी होता है। एक्चुअली आपको हो गया कि यार इसी से यूज ले लेंगे ना बहुत ही अच्छा है, लेकिन डबल चीजें करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल्स होता है इसका। कहाँ पर यूज होता है मैं एडवांस सीरीज में और बताऊंगा, आप अभी के लिए बेसिक सीखते जाइए इनके। ये देखिए कितना ट्रैक कर लीजिए, और ये देखिए आप जूम करके भी देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लीन नजर आएगा, जो पिंपल्स था वो अच्छी तरह से हट चुका है। और अभी के लिए इस फोटो को मैं क्लिक कर कट कर देता हूँ, इसके बारे में मुझे इतना ही बताना था इन पिक्चर में, और इसको भी मैं कट कर देता हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात बात आ जाती है पिक्चर, मान लीजिए तो इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा हो और आपको चाहिए बैकग्राउंड, लेकिन इस बैकग्राउंड में बेबी की इमेज, यार इसको कैसे रिमूव करे, मुझे बैकग्राउंड तो अच्छा लग रहा है लेकिन इस पिक्चर को कैसे रिमूव करे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, पेस्ट टूल का यूज लेंगे, पेस्ट टूल का यूज करते हुए हम सिंपली इसके बाहर बाहर से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, बारीकी से आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, इस तरह से बाहर बाहर से आपको इसको सिलेक्ट कर देना है इस तरह से। सॉरी थोड़ा सा हमारे पास डिलीट हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर की ओर चला गया, कंट्रोल डी कर दो, इस तरह से आपको इसको बार बार से सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और आप देखेंगे अभी मैं इसको बार बार से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो आपका क्लिक है उसको दबाते हुए यानी लेफ्ट बटन को दबाते हुए इसको थोड़ा ड्रैग करना है साइड में, यानी आप देखेंगे ये जो यहाँ वाला बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपके बैकग्राउंड में जगह नहीं, जैसे इस बैकग्राउंड में इतनी जगह नहीं कि पूरी बेबी की तस्वीर इधर आ जाए, तो मैं थोड़ा इधर लूंगा और थोड़ा इधर लूंगा ताकि अच्छे से रिमूव हो जाए। सिंपली आपको क्लिक करते हुए इस इमेज पर क्लिक करते हुए देखिए आप देखेंगे रिमूव होता जा रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जहां तक मेरे पास बैकग्राउंड है उतना तो मैं ले लूंगा, ये देखिए फिर से आने लगा, तो आप इतना ही रहने दीजिए एक बार के लिए। तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज थोड़ा सा टाइम लेगी प्रोसेसिंग में, और ये हाथ बचा है तो आप सिंपली इस हाथ को भी एक बार के लिए गायब कर दीजिए, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये देखिए। तो आप देखेंगे अभी जो ये है कंट्रोल डी कर दीजिए सिलेक्शन को उठाने के लिए, ये देखिए आप देखेंगे बिल्कुल भी जो तस्वीर है वो नजर नहीं आ रही है, बहुत ही सिंपल था इसका यूज, आप अच्छे से सीख सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं है। देखिए सिंपली आप फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में देखोगे इसके लिए कोई अलग से टूल्स भी आता है जिससे रिमूव होता है, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो मैं फोटोशॉप लेके चल रहा हूँ जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दी है, तो आप वहां से डाउनलोड करें ताकि बहुत ही अच्छा और कम MB में मैंने डाला है, और इसमें कोई पासवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लाइफ टाइम फ्री है, आप आराम से यूज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट जो टूल आ जाता है वो आई रेड आई टूल, इसके बारे में बताना है। रेड आई टूल के बारे में बताने के लिए एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, कई बार हम शादी में या रात में जब इमेज क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमें उस इमेज की जो जो हमारा कैमरा होता है या मोबाइल होता है उसकी लाइट जो हमारी आंखों में चली जाती है, या तो उससे थोड़ी सी आंखें में लाली मा आ जाती है, थोड़ी सी लाली हो जाती है, थोड़ी लाल हो जाती है, थोड़ी पीली हो जाती है, इस तरह से वो लाल हो जाती है, रेड वगैरह हो जाती है। तो उस आंखों को ठीक करने के लिए इस रेड आई टूल का यूज लिया जाता है, जिससे मैं सिंपली एक पिक्चर आपको लेके बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक इमेज है, ये देखिए जिसमें आप देख रहे हैं कि आंखें लाल है, अब इन आंखों को कैसे ठीक करना है, इसका यूज बहुत ही सिंपल है। तो क्या होता है कि हमारा कैमरे से पड़ी हुई लाइटों को ठीक करता है, तो जब फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं कोई वेडिंग एल्बम बनाते हैं, वेडिंग एल्बम बनाते हैं तो क्या होता है कि कैमरे से पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, अक्सर रात का काम होता है वेडिंग में, तो रात को पिक्चर क्लिक करते हैं तो उस कैमरे की लाइट अचानक से आंखों में चली जाती है, पूरी इमेज खराब सी लगने लगती है, अच्छी नहीं लगती, इस तरह से रेड आई जा जाती है। तो सिंपली आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है, जिससे क्लिक कर थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके आईज को ये ठीक कर देगा, इस पर भी क्लिक कर दीजिए, इस तरह से आप देखेंगे आपके आईज को बिल्कुल बारीकी से ठीक कर दिया इसने, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए बारीकी से ठीक कर दिया। ये जो पॉइंट आ रहा है ये उसका और
और अदर जो सामने चीजें थी उसकी जो ये लाइट दिख रही है वो है इस तरह से। देखिए आपको आंखों को बिल्कुल ठीक कर दिया प्रॉपरली। ये था तो दोस्तों आज के टूल्स के बारे में, और नेक्स्ट हम ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे के सारे कोर्स इसी चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, और सीरीज वाइज सीरीज लूंगा ताकि आप घर बैठे सारे कोर्स कर पाए, आपके बिल्कुल पैसा ना लगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य इस चैनल पर यह नहीं पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि पैसा कमाना मेरा चैनल होता तो मैंने अभी भी चैनल ओपन किया, मैं उस पर इस पर वही वीडियो डालता जो कि कीवर्ड्स में है, यानी जो सबसे ज्यादा सर्चिंग किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं डाली क्योंकि कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं कि आप सबसे पहले वो वीडियो डालो जो लोगों को पसंद है, उसके बाद ये सब चलाइए। नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है, पैसे कमाना नहीं है। आज नहीं तो 1 साल बाद में इस पर सब्सक्राइबर्स नहीं भी आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यूवर्स आने चाहिए ताकि आप सभी अच्छे से देख सके, सीख सके और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप दूसरों को भी अच्छे से सिखा सके, उनके कोई पैसे ना लगे। इसलिए मैं ज्यादा वो वीडियो नहीं डाल रहा जो सर्चिंग में आते हैं, वरना मैं सर्चिंग वाले वीडियो डाल सकता था, लेकिन वो नहीं डाल रहा, इसी कारण मैं वो वीडियोज नहीं डाल रहा हूँ। तो आपको सिखाते हुए चलना मेरा उद्देश्य है, आपको शिक्षित करना मेरा उद्देश्य है, आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना मेरा उद्देश्य है, न कि पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं।